हर कोई रिच दिखना चाहता है, हर कोई अमीर दिखना चाहता है, चाहे वो अमीर ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके रिच दिख सकते हो अगर आप रिच नहीं हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं हूं आपका दोस्त ताबिश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई किंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, वीडियो को लाइक भी करो। बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिच बना देगी, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही बेकार होता है, तो हम कहीं पर भी खड़े हुए होते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी होते हैं, तो हम बहुत ही बेकार लगते हैं और हम रिच बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, हम अमीर नहीं लगेंगे। अगर आप अमीर पैसे से भी हो ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तब भी आप अमीर नहीं कहलाओगे, तब भी आप अमीर नहीं दिखोगे। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस अप रखना है और बॉडी पॉस्चर भी आपको बहुत ही अच्छा रखना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा और हर कोई आपको अमीर समझेगा और आप इस तरीके से अपने आप को अमीर दिखा सकते हो। बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में जिसको आप वेयर करके, जिसको आप पहन के बहुत ही ज़्यादा रिच दिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख सकते हो, वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर एक ऐसा वर्सेटाइल कलर होता है जो इंसान अगर पहन लेता है तो वो हर किसी की बॉडी पर सूट कर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। ब्लैक कलर की आप टी शर्ट पहन सकते हो, ब्लैक कलर की आप शर्ट पहन सकते हो, ये किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा और आपकी स्टाइल बहुत अच्छी कर देगा, बहुत इंप्रूव कर देगा। तो कोशिश करें अगर आपको रिच दिखना है, बहुत ही अमीर दिखना है, बहुत ही सेक्सी दिखना है, तो आपको ब्लैक कलर ज़रूर पहनना चाहिए, ज़रूर वेयर करना चाहिए। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में जो आपको रिच दिखाएगी, वो है लेदर जैकेट। लेदर जैकेट एक ऐसी जैकेट होती है जो इंसान अगर पहन लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा मैनली दिखता है और साथ ही साथ वो बहुत ही अमीर दिखता है। जो लेदर जैकेट का ट्रेंड है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो लेदर जैकेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आप लेदर जैकेट पहनते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा रिच दिखते हो और दूसरे लोगों से काफ़ी अलग बन जाते हो, काफ़ी डिफरेंट बन जाते हो। जो लेदर जैकेट है वो आपको मैच्योर भी दिखाएगी, बहुत ही मैनली दिखाएगी और आप एकदम मस्कुलर दिखोगे, बहुत ही सेक्सी दिखोगे। और जो लेदर जैकेट होती है ना, वो किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बन जाती है। अगर आपने अंदर ब्लैक टी शर्ट पहन रखी होगी तब बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखने वाले हो आप, अगर आपने वाइट टी शर्ट भी पहन रखी हो तब तो और भी ज़्यादा सेक्सी दिखने वाले हो आप और बहुत ही ज़्यादा रिच दिखने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखने वाले हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बजट है तो सबसे पहले आपको लेदर जैकेट परचेज करना चाहिए अगर आप रिच दिखना चाहते हो। बात करते हैं अगली चीज के बारे में जो आपको रिच बना देगी, वो है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज वो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसको हम पहन के बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। हमारी जो स्टाइल है, ओवरऑल स्टाइल जो होती है, उसमें एक 4 चांद लग जाते हैं। जैसे आप वॉच पहन सकते हो, कैप लगा सकते हो, गॉगल पहन सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर पहनना चाहिए। ये आपको रिच भी दिखाएंगी, साथ ही साथ आपका जो स्टाइल है वो काफ़ी अलग बना देंगी, काफ़ी अच्छा दिखाएंगी आपको। तो एक्सेसरीज आप ज़रूर पहनिए, आप वॉच ज़रूर पहनिए, कुछ पहने ना पहने आपको एक अच्छी सी एनालॉग वॉच ज़रूर पहनना चाहिए। आपको डिजिटल वॉच नहीं पहनना है, नंबर वाली वॉचेस नहीं पहनना है, नंबर वाली वॉचेस नहीं पहनना है, आपको एनालॉग वॉच पहनना है। एनालॉग वॉच जो होती है वो आपको मैच्योर दिखाती है, काफी अलग बना देती है, तो आपको इस तरीके से रिच बना देगी। अगर आप एक्सेसरीज पहनते हो तो आप काफी रिच दिखोगे, काफी अमीर बंदे कहलाओगे। बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो है हमारी बियर्ड को लेके। अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जो बियर्ड है बहुत बड़ी है, अनग्रूम्ड बियर्ड है, आपने बियर्ड को सेट नहीं कर रखा है अच्छे से, तब चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो ना, तो आप बेकार ही लगोगे। अगर आप रिच दिखना चाहते हो तो अपनी बियर्ड को सेट करके रखना। अगर आप बियर्ड को सेट करके रखते हो इस तरीके से, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिच दिखने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी दिखने वाले हो। और लोग क्या करते हैं, उनकी जो बियर्ड नहीं आती है, पैची बियर्ड आती है, तब भी वो बियर्ड रख लेते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो बेकार ही लगेंगे। तो आपको क्लीन शेव लुक भी रख सकते हैं, क्लीन शेव लुक भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है क्लीन शेव लुक अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि जो आज के टाइम का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से बियर्ड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप फॉलो करिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक दी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों को फॉलो करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख पाएँ। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, स्काइकिंग हेल्थ नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखा है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिलहाल की इस वीडियो में नहीं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।